अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे जी साहब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज बहुत गर्मी पड़ी है, बहुत गर्मी पड़ी है, तो कबूतर भी थोड़े से नरम हो गए हैं। कुसैन हुसैन ले आओ इधर, कबूतर भी थोड़े से नरम हो गए हैं, ले आओ यार ऊपर। तो जी ये दोनों कह रहे थे जी आज हमारे ले आओ ना छुपा के ला रहे हो, तो छोड़ो छोड़ो उसके साथ छोड़ दो इनको जी, ऊपर छोड़े जी, व्लॉग में लेके आए लाजमी जी, सबको दिखाएं कि ये हमारे कितने कितने बड़े हो गए हैं ये, माशाल्लाह देखें। ओए उधर उधर उधर, अब ये पहली दफ़ा आए हैं छत पे, मतलब इतने टाइम बाद पहली दफ़ा छत पे आए हैं, तो ऐसा ना हो कहीं नीचे जो है ना वो छलांगे ना लगा देंगे, ये नीचे ना कहीं कूद जाए। अच्छा जी बबलू भी कुछ है ना जी, अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये आ जाओ जी। ये हमने आपको बताया था, ये हमारे व्लॉग में आपने देखा था कि इसको छोड़ दिया था हमने यहाँ कबूतरों के साथ, क्योंकि नीचे ये तंग था, ओए होए नीचे ये तंग था, तो ये मैंने कहा चलें इसको आज़ाद करते हैं, इन्हीं के साथ रहे, तो ये इनके साथ भी नहीं रहा है। यकीन करें मैं जब भी सीढ़ियों से आता ऊपर आता मुझे ये देखता, तो बस इसका ये काम था कि किसी तरह उड़ के मैं पहुँचूँ, मेरे तक पहुँचने की कोशिश करता था। यहाँ पर साथ ये दरवाजे में यहाँ पे साथ बैठ रहता था, और एक दो दिन तो इसके इनके साथ इसने कुछ खाया पिया ही नहीं है, बार बार मेरे हाथ पे आता, क्योंकि आपको पता है टाइम हुआ हुआ मेरे हाथ पे ही है, आके इसने दाना वगैरह खाना है तो मेरे हाथ पे ही आता था। तो चलें फिलहाल इसको कहीं बिठाते हैं, क्योंकि अब इसने मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए, अब इसको कहीं बिठाते हैं। तो बाकी अपने कबूतरों को आज बाहर निकालते हैं, गर्मी बहुत है, तो थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ हुआ है, शाम का टाइम है, तो चलें कबूतर घूम फिर लेंगे, कबूतर बीमार हो रहे हैं, तो चलें निकालते हैं पहले अपने कबूतरों को, आराम से निकालने हैं क्योंकि वो बंधे हुए नहीं है। ये इसमें ब्लैक टेल और ये येलो टेल, बस आज यकीन करें जी कि कबूतर ये थोड़ी थोड़ी आंखें भी कबूतरों की खराब हुई है, अब अल्लाह जाने क्या होना है। चले आराम से आराम से आराम से, अदन अदन इधर पीछे हो जाओ, अदन पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इनको बाहर में निकालेंगे। ओए इधर आओ जरा, इधर आओ इधर आओ मुन्ना, ये अंडे नहीं उठाए हैं ये जी, मुर्गियों के अंडे, ये तो वैसे रोजाना ले जाते हैं तो सहन ले जाते हैं, तीन चार रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह इनको मिल जाते हैं जी। तो देखना 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 देखना, वो नए है ये बीच में उड़ेंगे, तुम लोग छोड़ दो, ये ब्लैक टेल नए है बीच में, इनको नहीं छेड़ना है, ये व्हाइट वाले भी कहीं उड़ ना जाए। अच्छा बात छोड़ दो छोड़ दो, ये ऐसे ही, ये उसका वो कैल्शियम की कमी थी इसको इसलिए नहीं आए, ये तो बच्चा जी ऐसे ही रह गया, अल्लाह जाने कोई चीज जी से बन गया। अच्छा इसकी दोनों आंखों की जी नज़र चली गई है, अब इसको ट्रे के पास छोड़ दिए, तो ये कुछ ना कुछ अपने लिए खा लेती है, कुछ हाथ से भी खिला देते हैं। कुसैन अली आराम से बाहर आ जाओ, मैं इनको दाना डालूंगा, ये खुद खा लेंगे, ये इसको भी छोड़ दो, ये भी नया है, बस छोड़ दो आराम आराम से आएंगे, इसको डरा के बाहर निकालोगे ना तो इन्होंने किसी न किसी ने उड़ जाना है, ये मैं बता दूँ। कौन सा ताला? ये रख दो। तो जी मैंने कहा चले थोड़ा सा घूम फिर लेंगे बाबा जी, उनको भी इंशाल्लाह निकाला करेंगे, लेकिन अलग से, क्योंकि अब उनकी भी तैयारी हो गई है कि हमें भी किसी तरीका ये बाहर निकालें, क्योंकि ये आपको पता है कि ये ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, ये भी नहीं थी जो वो पकड़ी थी, वो कोई हमें किसी का पता नहीं लगा किसकी है किसकी नहीं है, कोई लेने भी नहीं आया, तो हमने गाड़ी छोड़ दी है, तो यही फॉस्टिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसको, इसके नीचे अंडे रखे हुए हैं, बस उसको छोड़ दो अदन। ये जी ब्लैक टेल भी, ये मेल भी है ना, बहुत नॉर्मल हुआ है, गर्मी इतनी है जी कबूतर क्या करे, बंदे पागल हो रहे हैं यकीन करे गर्मी से, तो ये भी ये देख लें, ये भी बीमार हुआ है, दवाई तो मैं दे रहा हूँ, अभी सुबह आया था मैं उनको दे के गया, तो चले अभी दाना वगैरह देते हैं बाहर इनको, शायद ही खाना कल से इंशाल्लाह इनके लिए मैंने कुछ विटामिन लाने हैं, तो इंशाल्लाह वो इनके लिए इनको देंगे, ORS वगैरह कुछ और चीज़ें हैं जो इनका मैदा वगैरह इंशाल्लाह ठंडा रखेंगे। कुसैन अली नीचे से कप ले आओ, मैं कप नहीं लेके आऊँ, नीचे से कप ले आओ, दरवाज़ा नहीं बंद करो, बाकी कैसे आएंगे खाने के लिए बाहर, अब ये तो एक दो दिन से कुछ नहीं खा रही है वाला, इधर भी एक मादी है वो भी बीमार है, इनको तो हम आर्गिज नहीं बाहर निकालेंगे, ये बाहर निकालने की देर में, तो
तो बस इन्होंने किसी न किसी ने निकल जाना है। आए फ्लावर आपको पता है ये नहीं रुकते हैं, ये निकल जाते हैं। ये मादी भी एक ले करने पर आई है ये, और इनके भी माशाल्लाह बच्चे इनके बन गए हैं। अंडे मैंने चेक किए थे, इसने भी दो अंडे दिए हैं। ये बच्चे माशाल्लाह ये भी ब्लैक कलर में आ रहे हैं, और ये उसी तरह अपने बाप की तरह ऐसे होकर ऐसे। ये माशाल्लाह ये हमारा पूरी नार किधर गया जी, किधर गया ये इसके बच्चे माशाल्लाह ये। और अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे मच्छरों ने इनको काटा नहीं है, शुक्र अल्लाह का। वो भी बच्चे ठीक हैं, ये भी ठीक है, और ये बच्चा भी ठीक है। ये माशाल्लाह खुद खाने पीने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये इसकी गर्दन के साथ पर ही नहीं है। ये तो इसके पर ही नहीं है। ये बाकी माशाल्लाह सारे हाई फ्लायर इधर छोड़ दिए थे, ये मादी है जी। ये थोड़ी सी सुबह की ऐसे ढीली पड़ी है। चल मैंने दवाई इसको भी दी थी, उन दोनों को भी दी थी, अल्लाह करे दाना वगैरह खा ले। तो अगर इसे खा पी लिया तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद दवाई से इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। तो जी फिलहाल जो बैठ छोड़े हैं उनको भी देख लेते हैं, उनको भी दाना वगैरह डाल देते हैं। चलो जी माशाल्लाह ये देखें जी कितने प्यारे लगते हैं अमेरिकन, माशाल्लाह साइज भी इनका बहुत प्यारा है। ओहो किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, उधर चले जाओ सारे, उधर चले जाओ, उधर जाओ, उधर 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 जाओ। अच्छा जी जो नए हैं उनको तो आदत नहीं है बाहर आने की, ये नया एक येलो टेल बाहर आ गया, बाकी किसी को आदत नहीं है बाहर आने की, तो कुछ बीमार भी है। ठाजी एक निकल आया। अच्छा जी ये दरवाज़ा खुल गया जी, ये बड़ा रोला है दरवाज़ा खुलने का। तो खा 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 मैं तुझे पकड़ूँ, खा मैं। चलो जी मुन्ना ने टाइम पे बता दिया था ना मुन्ना, हाँ ना वो कबूतर असल में ये ऐसे ही साथ लगा देता, ऐसे खड़ा रहता है, हल्का सा भी ऐसे कर ले तो ये खुल जाता है। अब इसीलिए वो कबूतर ने इसको खोल दिया था। वो बच्चा भी बीमार है जी, अब क्या करें, सख्त परेशानी में है। वो मुर्गी की मुर्गी अंदर चली गई है, ये दोनों किधर आ गए, इनको बाहर निकालो, मारेंगे इनको, बाहर निकालो, बाहर बाहर निकालो, बाहर निकालो, अंडे भी तोड़ेंगे इनके, निकालो 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 इनको यार, कुछ डाल दो ना साइड पे, ये ठहरो मैं बताता हूँ, ठहरो ठहरो एक मिनट ठहरो। चलो जी इनको दाना थोड़ा सा डाल देते हैं, ये ना वो है वो है, ओ ऐसे नहीं फेंको नहीं यार, क्या करें मुन्ना, ये लो खाओ। चलो जी अब इनको 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 निकालो, इनको निकालो, माशाल्लाह चूज़ें। सुबह तो चले हम इनको डाइट वगैरह दे देते हैं, सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि हम ब्लॉग बना के। बबलू को छोड़ दो यारा, बबलू को छोड़ो छोड़ो, बिठाओ, अच्छा तुम्हारे पास बैठेगा, बिठाओ बिठाओ। ये लो जी चलो जी बबलू को भी इधर ही छोड़ दिया। तो जी ये एक छोटा सा ब्लॉग है, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब कबूतर बीमार होना शुरू हो गए, तो इंशाल्लाह कुछ दवाइयाँ वगैरह देते हैं, परेशानी हो जाती है जी, एक भी बीमार हो जाए। अब एक ये बीमार है ये, और एक ब्लैक टेल है अंदर है वो बीमार है, अभी बाहर ही नहीं आया। तो एक भी बीमार हो जाए तो समझे कि ख़तरे की घंटी बज गई है। तो इंशाल्लाह जी कल आप तमाम दोस्तों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। कल इंशाल्लाह इन सबको लड़ाई देंगे, कल इनको विटामिन देंगे इंशाल्लाह, और मज़ीद भी इनकी कुछ सफाई वगैरह कर देंगे। तो मिलते हैं जी कल, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।